उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जल्द ही यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने वाले हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों के सामने एक परेशानी आ जाती है। ये परेशानी है अपने रिजल्ट का पास प्रतिशत यानी परसेंटेज निकालने की, क्योंकि जो भी आपसे रिजल्ट के बारे में बात करेगा तो यही सवाल करेगा कि कितनी परसेंट बनी। खैर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शामिल हुए छात्र अपने रिजल्ट का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं परसेंटेज निकालने का आसान फॉर्मूला और प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के रिजल्ट संभवतया 15 जून से पहले जारी किए जा सकते हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद आप सबसे पहले amarujala.com पर अपने नतीजे देख पाएंगे। इतना ही नहीं, results.amarujala.com पर रजिस्ट्रेशन करके आप अपना कक्षा 10वीं या 12वीं का रिजल्ट अपने मोबाइल पर भी पा सकते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम UPMSP की वेबसाइट upmsp.edu.in और uprizults.nic.in और upmsprizults.up.nic.in पर अपलोड किए जाएंगे। यूपी बोर्ड परिणाम 2022 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रतिशत की गणना करने के लिए सबसे पहले छात्रों को मार्कशीट में दिए गए प्राप्त अंकों को जोड़कर उनका योग यानी सम या टोटल करना है। ऐसा करने के बाद आपको कुल अंकों का पता लगाना है। इसका आसान तरीका है कि सभी विषयों के अधिकतम अंक जोड़कर कुल अंकों का पता कर लें। अब आपके पास दो संख्याएं हैं, एक कुल प्राप्त अंक और दूसरी कुल अंक। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। यूपी बोर्ड रिजल्ट का प्रतिशत जानने के लिए छात्रों को यूपी बोर्ड परीक्षा के सभी विषयों में से जितने अंक मिले हैं तो उसे कुल अंकों में विभाजित करना होगा और फिर 100 से गुणा करना होगा। उदाहरण के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में 5 विषय हैं। 5 विषयों के पेपर के पूर्णांक 100-100 हैं, यानी कुल अंक या कुल पूर्णांक 500 होते हैं। अब किसी छात्र को सभी विषयों में कुल मिलाकर 400 अंक मिले हैं तो उन 400 अंकों को कुल अंक या कुल पूर्णांक 500 से विभाजित करना है। जैसे 400/500=0.80 हुआ। अब इसे 100 से गुणा कर दे तो ये 80 हो जाएगा, अर्थात उस छात्र को 80% मार्क्स मिले हैं। कक्षा 10वीं का परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में 6 विषय होते हैं। सभी 6 विषय के पेपर के पूर्णांक 100-100 यानी कुल अंक 600 होते हैं। अब किसी छात्र को सभी विषयों में कुल मिलाकर 400 अंक मिले हैं तो उन 400 अंकों को 600 से विभाजित करना है। जैसे 400/600 यानी कि 0.66 हुआ। अब इसे 100 से गुणा कर दें तो ये 66.66 हो जाएगा, अर्थात उस छात्र को 66.66% मार्क्स मिले हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।